इन्होंने इसके अंदर मुझे एक दो टिक्की है, दो पैटीज दी है, एंड कैबेज भी है थोड़ी बहुत, एंड पनीर भी है, एंड ऑनियन है। तो आप देख सकते हो यार पनीर बहुत कुछ, मतलब इन्होंने अंदर मिक्स करके, मैं ये टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसा है। टोमेटो से 149 रुपीस का आपको सिर्फ एक ही बर्गर एंड एक ही मैक पर 149 रुपीस का। Subscribe to Sarshank Vlogs and click the bell icon. So hey guys, Sarshank Vlogs signing off. Welcome to my channel. Another day, another vlog. आज का व्लॉग हमेशा के व्लॉग्स की तरह शानदार होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक यार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। थंबनेल देख के आपको पता चल चुका होगा। तो आज मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा मैकडोनल्ड वर्सेस जो अपने घर के पास कार्ट खड़े होते हैं, जिनके पास 20-25 रुपए का बर्गर मिल जाता है, वर्सेस वो बर्गर। तो यार फटाफट आपको मैं जोमेटो से बर्गर ऑर्डर करता हूँ। तो यार जोमेटो से क्या है, मैंने एक मैकरोनी टिक्की एंड एक मैकपफ ऑर्डर करा है, क्योंकि जो जोमेटो है वो 100 से नीचे ऑर्डर लेते नहीं है। तो फिर मैंने एक मैकपफ भी साथ में ऑर्डर करा ताकि रेट इक्वल हो जाए। तो टोटल दोनों चीजें मुझे 149 रुपीज की पड़ रही है, एंड जो मेरे घर के पास कार्ट खड़ा होता है उनसे मैं फटाफट जाके बर्गर लेके आता हूँ। तो यार व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मिलता हूँ आपको दोनों बर्गर आने के बाद। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। Few minutes late. तो गाइस मेरे दोनों बर्गर आ चुके हैं, फटाफट आपको मैं बर्गर को अनरैप करके बताता हूँ। तो यार ये मैकडोनल्ड का बर्गर है जो मुझे 149 रुपीस का पड़ा है। तो फटाफट आपको मैं दिखाता हूँ, एक बिल है, एक मैकपफ है, एंड एक मैकरोनी की बर्गर है। और जो मैं कार्ट से लाया हूँ ये मुझे बर्गर सिर्फ 20 रुपीस का पड़ा है, और ग्रेन का बर्गर है एंड एक केचप है बस, और कुछ नहीं, फॉली बैग तक डाल के दिया था। तो यार फटाफट आपको मैं अंदर दिखाता हूँ कि बर्गर के अंदर ना इंग्रेडिएंट्स क्या, मतलब क्या क्या उन्होंने मिक्स करके दिया है। तो यार ये देखो जो 20 रुपीस वाला बर्गर है, इन्होंने इसके अंदर मुझे एक दो टिक्की है, दो पैटीज दी है, एंड कैबेज भी है थोड़ी बहुत, एंड पनीर भी है, एंड ऑनियन है। तो आप देख सकते हो यार पनीर बहुत कुछ, मतलब इन्होंने मिक्स करके दिया है। सिर्फ 20 रुपीस का इनका बर्गर है, एंड जो मैकडोनल्ड का बर्गर है ये मुझे 44 रुपीस का पड़ा है जोमेटो से, वैसे 39 रुपीस का है। तो जो मैकडोनल्ड का बर्गर है आप देख सकते हो, एज ऑलवेज ये कुछ भी निकालते हैं अंदर, 44 रुपीस लेते हैं। इसके अंदर आपको सिर्फ एक रेड सॉस एंड थोड़े बहुत प्याज बस, एक पैटीज एंड कुछ भी नहीं, बस ये आपका 44 रुपीस का बर्गर है, एंड ये आपका 20 रुपीस का बर्गर है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो मतलब बाहर तक आ रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा इन्होंने अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। तो यार फटाफट आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि इन दोनों में से कौन सा बर्गर ज़्यादा बेटर है। तो यार मैंने दोनों बर्गर पेट में डाल लिए हैं, एंड ये वाला मैकडोनल्ड का बर्गर है, एंड ये वाला अपने भाई घर के पास जो गुप्ता जी बर्गर सेंटर है उनका बर्गर है। तो यार फटाफट आपको पहले मैं मैकडोनल्ड का बर्गर टेस्ट करके बताता हूँ। तो सॉस मैं वही यूज़ कर रहा हूँ जो मेरे को बाहर से मिली है गुप्ता जी की दुकान से। वही टेस्ट है जो पुराना, वही जो टेस्ट आते हैं। एक बार टेस्ट कर दो, मतलब मुझे समझ नहीं आता। वही है, मतलब अगर थोड़ा और अंदर मिक्स कर दे, थोड़ा टोमेटो वगैरह डाल दे, मेरे ख्याल से पहले शायद टोमेटो वगैरह डालते थे बर्गर के अंदर, बट अब तो वो भी नहीं डालते हैं मैकडोनल्ड वाले। और ये वही अपना 20 रुपए का बर्गर है, और फटाफट आपको मैं ये टेस्ट करके बताता हूँ ये क्या है। इसके अंदर ना मतलब टोमेटो और पनीर का टेस्ट अलग ही आ रहा है, मतलब डेडली कॉम्बिनेशन है, मतलब बहुत ज्यादा गलत है बर्गर, मजा आ गया। सच्ची कह रहा हूँ मैकडोनल्ड से ना बहुत ज्यादा बेटर बर्गर है ये 20 रुपए का। आप बर्गर का साइज ही देख सकते हो, ये देखो आप बर्गर का साइज ही देख सकते हो कितना बड़ा, मतलब ये बर्गर है, उसकी 20 रुपए का ये बर्गर है, एंड ये 44 रुपए का जोमेटो से मेरे को पड़ा है, और थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ा है मेरे को जोमेटो से। 149 रुपए का आपको सिर्फ एक ही बर्गर एंड एक ही मैक पर 149 रुपए का।
यार मतलब मजा आ गया, मतलब ये बर्गर बहुत 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 ज्यादा बेटर है कूड़े बर्गर से, तो कूड़ा ही बोलूंगा आप भैया खाने जिसको कूड़ा नहीं बोलते, बट ये मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया खा के, क्योंकि यार आप खुद ही देखो यार, ये देखो ये 20 रुपए का बर्गर है, और मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप देता हूँ, ये देखो ये आपका 20 रुपए का बर्गर है, एंड ये आपका 44 रुपीस का बर्गर है जोमेटो से, तो आप अब इस बर्गर के अंदर आप इंग्रेडिएंट्स देखो कुछ भी नहीं है, बस एक ये लाल चटनी इनकी जो होती है और बस ये पैटी एंड बस, और हल्का सा इन्होंने अंदर प्याज डाले वो भी नाम का, ये देखो ये चिपक भी गया, मतलब बिल्कुल बेकार बर्गर लगा है मुझे मैकडोनल्ड का, एंड ये 20 रुपए का बर्गर देखो इसके साथ आपको क्या क्या मिलता है, ये देखो दो पैटीज है, इतने ज्यादा इनके ऑनियन है, पनीर भी है एंड मेयोनीज भी है आप देख सकते हो, नीचे ग्रीन सॉस भी है, एंड ये केचप भी मेरे को यही 20 रुपए वाले बर्गर के साथ मिली है, 44 रुपीस का, मतलब ये बहुत ज्यादा मतलब बेकार बर्गर है, बिल्कुल मजा नहीं आया बर्गर खा के मैकडोनल्ड का, ये 44 रुपीस का जो बर्गर है मैकडोनल्ड का बहुत बेकार है, और ये 20 रुपीस का बर्गर मतलब यार डेडली कॉम्बिनेशन, आप ये देखो मतलब कातिल, मतलब मजा आ गया। गाइस मैंने आपको कंपैरिजन करके बता दिया मैकडोनल्ड वर्सेस भाई अपने घर के पास का बर्गर, अब चॉइस आपकी है आपको किसका बर्गर ज्यादा पसंद है, मैकडोनल्ड का या भाई अपने घर के पास का बर्गर, तो यार अगर आपको ऐसी फूड की और कंपैरिजन वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आगे से वो वीडियो आती रहेगी, स्टे ट्यून्ड, अब मैं अपना बर्गर एंजॉय करता हूँ, आप भी जाइए और कंपैरिजन करिए किसका बर्गर ज्यादा बेटर है, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको किसका बर्गर ज्यादा बेटर लगा, स्टे ट्यून्ड।